लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं और इसके क्या एप्लीकेशन यानी कि यूजेस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आईसी? आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, मींस मोर नंबर ऑफ सर्किट आर कनेक्टेड और एडिड। बहुत सारे सर्किट्स को हम आपस में जोड़ देते हैं, इसी को हम कहते हैं आईसी। बट जनरली हम बात करते हैं कि आईसी छोटी होती है, बहुत सारे सर्किट आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो हम जिस आईसी की बात करते हैं वो होती है मोनोलिथिक आईसी। मोनोलिथिक की फुल फॉर्म होती है मोनो मींस सिंगल, लिथोस मींस स्टोन, यानी कि सिंगल स्टोन। इसका मींस ये होता है कि यानी किसी क्रिस्टल पर या किसी वेफर पर मोर नंबर ऑफ सर्किट इनबिल्ट कर दिए जाते हैं, बहुत सारे सर्किट इनबिल्ट कर दिए जाते हैं और वो किसी एक ही वेफर पर होते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोलिथिक आईसी। तो आपको यहाँ पर ये कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आईसी मोन नंबर ऑफ टाइप्स की होती हैं। अगर आईसी की हम बात करते हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फैब्रिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइस काउंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन मींस बनाने के आधार पर, बनाने के बेस पर। आईसी थ्री टाइप्स की होती हैं, मोनोलिथिक आईसी, हाइब्रिड आईसी एंड थिन और थिक फिल्म आईसी। मोनोलिथिक आईसी होती है जो सिंगल वेफर पर या सिंगल क्रिस्टल पर बनाई जाती है, मोनो मींस सिंगल, लिथोस मींस स्टोन, ये लो पावर आईसीज होती हैं। उसके बाद बात करते हैं हाइब्रिड आईसी। तो हाइब्रिड आईसी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ आईसीज, बहुत सारी आईसीज को कनेक्ट करके जो आईसी बनाई जाती है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड आईसी। ऑन द बेसिस ऑफ लिथोग्राफी, थिन फिल्म और थिक फिल्म दोनों आईसी होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बेस पर आईसी टू टाइप्स की होती हैं, लीनियर आईसी और डिजिटल आईसी। यानी कि लीनियर आईसी को अगर बात की जाए तो वो होती है एनालॉग आईसी, और डिजिटल आईसी की अगर बात की जाए तो वो होती है जीरो और नंबर वन, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम पर बेस्ड आईसी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज में आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइस काउंट। अगर डिवाइस काउंट का मीन होता है कितने ट्रांजिस्टर या कितने डायोड उस आईसी में लगाए गए हैं या इनबिल्ट किए गए हैं, तो उसके बेस पर आईसी होती है एसएसआई, यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई एंड वीएलएसआई, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड यूएसआई। तो ये क्या है, आईसी की टेक्निक है, याद रखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक आईसी टू टाइप्स की होती हैं, यानी कि यूनिपोलर आईसी एंड बाईपोलर आईसी। यूनिपोलर आईसी जो होती हैं वो बनाई जाती हैं मॉसफेट एंड जेफेट की, और अगर बात करते हैं बाईपोलर आईसीज की तब ये बनाई जाती हैं बीजेटी, यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की। तो ये था आईसी का क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं आईसी के एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो आईसी के एप्लीकेशन होते हैं जैसे वोल्टेज रेगुलेशन है, ऑसिलेटर्स हैं, एम्पलीफायर्स हैं, ये सभी आईसी के ही एप्लीकेशन हैं। लेकिन जनरली अगर बात की जाए कि हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर ये यूज़ में आती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, ये सभी आईसी के ही एप्लीकेशन हैं। आईसी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखेंगे ये सभी क्या हैं, एप्लीकेशन हैं और ये मोस्ट यूजेबल डिवाइसेस हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर कट में समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि मोर नंबर ऑफ सर्किट आर इनबिल्ट इन ए सिंगल क्रिस्टल और सिंगल डिवाइसेस या सिंगल वेफर, हम इसी को कहते हैं आईसी। और आईसी कितने टाइप्स की होती हैं यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या होती है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको आईसी के बारे में डिटेल में जानना है तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू। लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं और इसके क्या एप्लीकेशन यानी कि यूजेस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आईसी? आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, मींस